शास्त्र से जुड़ा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जादू टोना और अंधविश्वास के आरोपों से शुरू हुआ मामला धर्मांतरण तक पहुंच गया है। देश में सनातन धर्म बनाम ईसाई इस्लाम पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में संत समाज और हिंदू संगठन से जुड़े लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब पर पीटीवी हिंदुस्तान। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा को किसकी ताकत हासिल है, उनके समर्थन में कौन कौन बड़े चेहरे सामने आए हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और कपिल मिश्रा समेत कई भाजपा नेता भी बागेश्वर बाबा के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और योग गुरु रामदेव भी बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया में भी बाबा के समर्थन में लोग ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि बाबा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कदम क्या उठाए कि उन पर अन्य धर्मों के लोगों की ओर से हमला शुरू हो गया है। बाबा पर अंधविश्वास और जादू टोना करने का आरोप झूठा लगाया जा रहा है। जिन धर्मों में सच में जादू टोना हो रहा है वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अब जानिए बागेश्वर बाबा ने अपने समर्थन में क्या कहा है। ईसाई हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए। विवाद के बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है, कोई भी ईसाई हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म की शक्ति को स्वीकार करे। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, इससे वामपंथी लोग विचलित हो गए हैं। दरअसल बीते साल दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया था कि उन्होंने 165 परिवारों के 328 लोगों को क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई थी। उनका दावा था कि लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म छोड़कर फिर से सनातन धर्म अपनाया। इसके बाद से ही बागेश्वर बाबा जादू टोना और अंधविश्वास के विवादों में घिरना शुरू हो गए हैं। बागेश्वर बाबा से जब एक न्यूज चैनल ने इंटरव्यू में पूछा कि आप में और मौलवी में फर्क क्या है, मौलवी भी तो झाड़ फूंक करते हैं, इस सवाल के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम लोगों का शोषण नहीं करते, लोगों का हलगा नहीं करते, हम दंगा नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो खुद से कैंसर ठीक करने और भूत प्रेत हटाने का दावा नहीं करते, जो कुछ भी होता है वो बालाजी की कृपा से होता है। उन्होंने कुछ धर्मों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम किसी तरह का कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम उन हिंदू लोगों को घर वापस करा रहे हैं जो दूसरे धर्म में चले गए थे। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के मंत्रों में भी बहुत ताकत है। अब जानिए बागेश्वर बाबा के समर्थन में कौन क्या क्या बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी बागेश्वर बाबा का समर्थन करते हुए कहा है कि जावरा टेकरी पर लोग नाचते कूदते हैं और ठीक होते हैं, वहां कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। बागेश्वर धाम सरकार को अपने इष्ट पर विश्वास है और वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो सवालों से घिर जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्र के समर्थन में प्रदर्शन तक किया है। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव भी अब बाबा बागेश्वर के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने संत राम भद्राचार्य के दरबार में कहा है कि कुछ पाखंडी अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने कहा कि जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे, जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वो राम भद्राचार्य जी के पास आ जाए, और जिन्हें चमत्कार देखना हो तो उनके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास चले जाओ। मौलवी और पादरी से क्यों नहीं पूछे जाते सवाल। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी आ गए हैं। उनका कहना है कि जब कोई पादरी और मौलवी अपने शिविर में लोगों का धर्मांतरण के लिए उत्साहित करते हैं तो उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो विरोध शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम में जो भी चमत्कार होता है वो हनुमान जी की कृपा से होता है, इसमें अंधविश्वास
कहां से आ गया। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना करने का आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। तो दोस्तों, इन सभी शख्सियतों से आप कितना सहमत हैं कमेंट करके पूरे देश को बताइए। यदि आप भी बागेश्वर बाबा का समर्थन या विरोध करते हैं तो कारण सहित कमेंट में लिखिए। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान।